हेलो दोस्तों, मैं हूं वरुण और टेक टॉक में आपका स्वागत है। अभी अभी खबर आ रही है कि ओप्पो ने चाइना में एक नया सब ब्रांड रेनो लॉन्च कर दिया है। ओप्पो के वाइस प्रेसिडेंट ने इस सब ब्रांड को लॉन्च किया है। इस सब ब्रांड का लोगो अभी आ गया है और ये सब ब्रांड जो होगा ओप्पो का, ये यूथ सेंट्रिक होगा, यानी ये सब ब्रांड यूथ को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। और जो स्मार्टफोन इस सब ब्रांड के अंडर लॉन्च होंगे वो यूथ सेंट्रिक ही होंगे। जो पहला स्मार्टफोन रेनो सब ब्रांड जो ओप्पो का है वो लॉन्च करेगा, वो 10 अप्रैल को करेगा। आपको मैं बता दूं कि ओप्पो का एक सब ब्रांड रियल मी ऑलरेडी इंडिया में मौजूद है और ये जो सब ब्रांड है रेनो, इसे ओप्पो ने चाइना में लॉन्च किया है। तो ये कंफर्मेशन अभी नहीं है कि ये इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा। और जो वाइस प्रेसिडेंट है ओप्पो के सेन येरेन, उन्होंने कहा है कि 10 अप्रैल को रेनो अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। उन्होंने इस स्मार्टफोन की जो मेजर स्पेसिफिकेशन है वो भी बता दी है और उनके अनुसार जो स्मार्टफोन लॉन्च होगा 10 अप्रैल को, उसमें स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर लगा रहेगा। और इस स्मार्टफोन में जो कैमरा रहेगा, रियर कैमरा, वो 10x ऑप्टिकल जूम के साथ आएगा, जो कि ओप्पो ने पहले ही रिवील कर दिया था मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2019 में, जो कि बार्सिलोना में हुई थी स्पेन में। और इसके तहत जो रेनो ब्रांड के तहत यही फ़ोन जो है ओप्पो का आने वाला है। और इस फ़ोन की खासियत यह रहेगी कि इसके रियल कैमरे में 10x ऑप्टिकल जूम रहेगा और इसमें जो बैटरी लगी होगी वो 4065 mAh की लगी होगी। ये जितनी भी स्पेसिफिकेशन है ये रिवील की है ओप्पो के वाइस प्रेसिडेंट ने। और ये मोस्ट प्रोबेबली ओप्पो का फाइंड जेट जो है यही स्मार्टफोन है। ओप्पो फाइंड जेट के नाम से ये स्मार्टफोन हो सकता है लॉन्च हो, जो कि ओप्पो फाइंड एक्स का सक्सेसर है। ओप्पो फाइंड एक्स जो है लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर और ये जो ओप्पो फाइंड जेड है, ये स्मार्टफोन मोस्ट प्रोबेबली रेनो सब ब्रांड के थ्रू ओप्पो लॉन्च करने वाला है। जैसे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी हम आपको देते रहेंगे और हम ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको देते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।